हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस मैं अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज शो दैट डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर गिवन है और उस स्क्वायर के डायगनल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। इस स्क्वायर की हम लेबलिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। अब हमें इसके डायगनल्स को इक्वल प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले सी को ए से ज्वाइन करेंगे, ए सी डायगनल बन गया। देन हम डी को बी से ज्वाइन करेंगे, ये दूसरा डायगनल बन गया। मीटिंग पॉइंट या ज्वाइनिंग पॉइंट को हमने ओ मार्क कर लिया। अब इसकी सॉल्यूशन हम लिखेंगे किस तरह से, देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक स्क्वायर गिवन है। शो दैट द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, तो स्क्वायर हमें गिवन है। हम लिखेंगे अ स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर का नेम लिख दिया हमने। अब हमें प्रूफ क्या करना है, उसको हम लिखेंगे टू प्रूफ हेडिंग के अंडर। हमें सबसे पहले प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी। इसके अलावा हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए लिखा है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमें प्रूफ करना है कि डायगनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब ए सी डायगनल है और बी डी डायगनल है, तो जब ये बाइसेक्ट करेंगे तो ए सी जो है हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ए ओ एंड ओ सी। तो हमें प्रूफ करना है ए ओ इक्वल्स टू ओ सी। इसी तरह से बी डी डायगनल है, वो भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ओ बी एंड ओ डी, तो हमें उन्हें भी इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लिख देंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। उसके अलावा हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो दोनों डायगनल्स जो हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमें ये प्रूफ करना होगा ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो देखिए बेसिकली हमें क्या क्या प्रूफ करना है कि ए सी बी डी के इक्वल है, देन ए ओ ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है और ए सी बी डी के परपेंडिकुलर है। हमें ये सब इसमें प्रूफ करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम ए सी को बी डी के इक्वल प्रूफ करने की क्या टेक्निक है वो देखते हैं। ए सी और बी डी हमारे डायगनल्स हैं, तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखिए ए सी और बी डी को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम दो ट्रायंगल्स लेंगे ए बी डी, दिस ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ए बी सी, दिस ट्रायंगल। देखिए मैंने इनको अलग से ड्रॉ कर लिया है ताकि हमें समझने में एक इजीनेस रहे, नहीं तो हमें ये फिगर ड्रॉ करने की नीड नहीं है, हम इसी फिगर में से इसको कर सकते हैं अप्लाई। बस हमें ध्यान देना है कि हम जो दो ट्रायंगल्स लेंगे उनका बेस कॉमन होना चाहिए इस केस में। तो ए बी बेस लिया हमने, ए बी बेस के ऊपर हमारा ट्रायंगल बन रहा है ए सी बी, दिस वन, इसी तरह से ए डी बी, दिस वन। इस तरह से हम दो ट्रायंगल्स लेंगे और इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी सी ए, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने हेडिंग बना ली। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के तीन तीन पैरामीटर्स को हम इक्वल प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे
AD इज इक्वल टू BC। देखिए जो ये वाली साइड है इस साइड के इक्वल है, क्यों इक्वल है देखिए यहाँ, ये इसलिए इक्वल है क्योंकि ये दोनों स्क्वायर की साइड्स हैं और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो पैरेललोग्राम है वो स्क्वायर है, तो AD इज इक्वल टू BC। और इसका रीज़न हम लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए जो ये वाला एंगल है 90 है, इसी तरह ये एंगल भी 90 है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। हम यहाँ फिगर में भी अगर देखें, ये स्क्वायर है हमारा, ये 90, ये 90, और सेपरेटली हम इस तरह से नोटिस कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, और इसका रीज़न क्या होगा, दोनों एंगल्स 90 डिग्री के। अब तीसरी चीज़ देखिए, ए बी ए बी, ये दोनों में कॉमन साइड है तो इक्वल होगी ऑब्वियसली। तो तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन साइड है। तो इस तरह से हमने तीन पैरामीटर्स को इक्वल रख दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और क्राइटेरिया कौन सा हुआ, देखिए साइड एंगल साइड, तो एस ए एस क्राइटेरिया से हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमें मालूम है कि हम सी पी सी टी अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय सी पी सी टी हम इसमें बी डी और ए सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों हम इक्वल ले लेंगे। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज टू ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। तो यही चीज़ थी जो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करनी थी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमने अचीव कर लिया। आप चाहें तो अब इसके बाद लिख भी सकते हैं, हेंस डायगनल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हमने अचीव कर लिया। देखिए हमें इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम कौन से दो ट्राइंगल्स उठाएं, तो उसके लिए हमें याद रखना है जो कॉमन बेस पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। हमने ए बी बेस लिया, ए बी के ऊपर जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो हैं ए डी बी और ए सी बी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने बाय सी पी सी टी इनकी दो साइड्स को इक्वल कर दिया, जो साइड्स थी डी बी और ए सी, और वही स्क्वायर के डायगनल्स थे। तो इस तरह से हम इनको इक्वल प्रूव कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी किस तरह से प्रूव करेंगे उसको देख लेते हैं। देखिए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ए बी और डी सी, ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि ये स्क्वायर की अपोजिट साइड्स हैं, तो ये पैरेलल होंगे। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, इसको डी बी को, तो ये एक ट्रांसवर्सल बन गई। अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। और इसी तरह से अगर हम ए सी को ऑब्जर्व करें, डी सी और ए बी पैरेलल हैं, तो ए सी भी हमारा एक ट्रांसवर्सल हो गया, और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स बन गए। तो अगर मैं इनकी मार्किंग करूं, अगर मैं इसको 1 लूं, इसको 2 ले लूं, इसको 3 और इसको 4 ले लूं, तो अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, देखिए
हम इसको लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी. रीजन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो अपोजिट साइड्स जो हैं वो उसकी पैरेलल होंगी. तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, और दोनों का रीजन क्या रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स. तो इस तरह से हमने इनको इक्वल प्रूव कर दिया. अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे एक ए ओ बी ट्राइंगल और एक सी ओ डी ट्राइंगल. तो हम इनको लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम तीन पैरामीटर्स इक्वल पुट करेंगे. देखिए, सबसे पहले एंगल वन एंगल टू के इक्वल है हमारा, हमने अभी अभी प्रूव करा. इसी तरह से हमारा एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है, वो भी हमने प्रूव करा. और देखिए ए बी और सी डी, ये दोनों साइड्स भी हमारी इक्वल होंगी. क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं और स्क्वायर की सभी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं. तो इसलिए हम इसमें रीजन लिख देंगे, वन इज इक्वल टू टू में हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव. इसी तरह से जब हमने एंगल थ्री को एंगल फोर के इक्वल रखा तो उसमें भी हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव. और ए बी इज इक्वल टू सी डी में हम लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. तो इस तरह से ट्राइंगल के तीन पैरामीटर्स को हमने इक्वल रख दिया, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी. और जब दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर हम सी पी सी टी भी अप्लाई कर देंगे. तो बाय सी पी सी टी, ये हमारा ओ पॉइंट था, बाय सी पी सी टी हम क्या ले सकते हैं, देखिए ए ओ इस ट्राइंगल का पार्ट है और ओ सी इस ट्राइंगल का पार्ट है. तो हम कह सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू ओ सी. एंड इसी तरह से जैसे हमने इसको इसके इक्वल रखा, तो अब हम इस पार्ट को इसके इक्वल रख सकते हैं, यानी कि ओ बी दिस पार्ट इज इक्वल टू ओ डी. और इसका रीजन क्या रहेगा, सी पी सी. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो अब हम इस बात को यहां लिख देंगे, सो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो हमने ये पार्ट भी अचीव कर लिया. ये पहले, सबसे पहले हमने ए सी इज इक्वल टू बी डी किया, अब हमने ये दोनों पार्ट्स एक साथ कर लिए, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. देखिए, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था उसमें हमने कॉमन बेस ए बी के ऊपर दो ट्राइंगल्स उठाए थे, और इस पार्ट में हमने दो सामने वाले ट्राइंगल्स उठाने हैं. तो अगर आप इस तरह से इसको याद रखेंगे तो आपके लिए ये प्रूविंग बहुत ईजी है. अगर हमें ट्राइंगल्स याद रहें कि कौन सी पोजिशन के उठाने हैं, उसमें हमें किस तरह से उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और फिर किस तरह से सी पी सी टी अप्लाई करना है, तो फिर प्रूविंग के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं. अभी हमारा एक पार्ट और रह गया है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, वो भी देखते हैं कैसे होगा. देखिए, इसके लिए हम दो ट्राइंगल्स उठाएंगे ए ओ बी, यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको ए ओ बी, इस तरह से ये ट्राइंगल है हमारे पास. और दूसरा हमारे पास जो ट्राइंगल हमें लेना है वो है डी ओ ए, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला. अब हमें दो एडजेसेंट एंगल्स ट्राइंगल्स लेने हैं.
तो इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें याद क्या रखना है कि हमें दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेने हैं। इसमें देखिए किस तरह से लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। सबसे पहले देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, जो ये पार्ट है हमारा, यानी कि इस फिगर में अगर हम देखें तो ये पार्ट ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये अभी हम ऊपर यहाँ पर हमने जो ये वाला पार्ट करा था सेकेंड पार्ट, इसमें हमने प्रूव किया था, तो इसका हम रीजन लिख देंगे प्रूव्ड अबव। दूसरी चीज देखिए ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्यों? देखिए ये ए बी और ये ए डी, ये दोनों स्क्वायर की साइड्स हैं, तो इसलिए ये भी इक्वल होंगी। तो दूसरी चीज हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी, और रीजन क्या रहेगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो दूसरी चीज भी हो गई हमारी। अब देखिए ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये अगर आप लाइन देखें तो ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो यहां हम लिख देंगे ए ओ इज इक्वल टू ए, दिस इज द कॉमन साइड। आप यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए ओ बी ओ डी के इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल, इसी तरह से ये दोनों साइड्स इक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए डी और ए ओ कॉमन साइड है। तो दोनों ट्राइंगल्स के हमने तीन पैरामीटर्स इक्वल रख दिए, तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी, और रीजन या क्राइटेरिया इसमें क्या रहेगा, एस एस एस, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स इक्वल थी इसलिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि अगर मैं फिगर में आपको दिखाऊं, इस केस में अगर मान लीजिए मैं इसको मार्क कर देती हूँ, इसको हम मार्क कर लेते हैं एंगल 5 और इसको मार्क कर लेते हैं हम एंगल 6, तो ये 5 है हमारा और इसमें ये हो गया हमारा एंगल 6, तो बाय सीपीसीटी हम एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और रीजन बाय सीपीसीटी। अब देखिए जो 5 और 6 एंगल्स हैं ये दोनों लीनियर पेयर हैं, बीडी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, तो इसीलिए हम इसके ऊपर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर मैं 5 और 6 दोनों को एक्स मान लूं, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा आ गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना आ गया हमारा, x आ जाएगा हमारा, मैं यहां पर कर देती हूँ, यहाँ स्पेस कम है थोड़ा, x हमारा आ जाएगा 180 अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। तो अगर x 90 आया, 5 और 6 दोनों 90 आ गए, तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर AO इज परपेंडिकुलर टू BD, जो AO लाइन है वो BD के परपेंडिकुलर है, और AO को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो वो हमारी AC लाइन बन जाएगी, ये AO है और ये AC है, तो हम कह सकते हैं और AC इज परपेंडिकुलर टू BD, तो जो ये वाला पार्ट था ये भी हमने इसमें प्रूव कर दिया। तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए डायगनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो हम यहाँ लिख देंगे इस चीज़ को देयरफॉर डायगनल्स
इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, और ये हमारा प्रूफ कंप्लीट है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझें, तीन पार्ट्स हमें प्रूफ करने हैं, तीनों पार्ट्स में अगर हम ये ध्यान दें कि हमें कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तो फिर तीनों हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा चैनल ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।